इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं शिवम हॉस्पिटल। मोतियाबिंद का ऑपरेशन झारखंड बिहार और बोकारो के दादा अंतिम सफर में निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में जोधाड़ी मोड़ से उनकी जो शव यात्रा है गुजरने वाली है और पूरे शहर में जगह जगह उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, चाहे किसी वर्ग के, किसी कौम के, किसी राजनीतिक दल के हो, आज अश्रुपूर्ण माहौल में उनको अंतिम विदाई देने के लिए जगह जगह इसी तरह इकट्ठे हुए हैं। इसी तरह उनकी तस्वीर लगाकर उन्हें याद करने का काम बोकारो के लोग कर रहे हैं। इस समय हम लोग जोधाड़ी मोड़ में और थोड़ी ही देर में दादा की जो अंतिम यात्रा यहाँ पहुँचने वाली है और उनके इंतजार में बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं ताकि दादा को अंतिम दर्शन हो सके, अंतिम विदाई हो सके। अभी कुछ देर पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हुए थे। कल बाबूलाल मरांडी जी भी उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे थे, अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। लोगों से जानते हैं कि अब दादा नहीं रहे, दादा के नहीं रहने से जो राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई है उससे लेकर क्या कुछ सोच है, अब दादा अंतिम सफर में निकल चुके हैं, क्या कहेंगे? दादा जब तक थे समय ना यहाँ का चहुमुखी विकास हो रहा था और दादा सुख दुख के साथ थे। आज जानते हैं आज एक दादा के मरने से एक जो कांत हो गया है, ये बोकारो वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए अपूर्ण क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। आप उनके बहुत क्लोज भी बहुत पहले से रहे हैं, अब अंतिम सफर में आपके दादा हैं। दादा नश्वर शरीर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन दादा जो काम कर गए हैं वो हमेशा चास बोकारो चंदन कैरी के हम लोग के लिए प्रेरणा के स्वरूप बने रहेंगे। आज तमाम बोकारो की जनता, चास चंदन कैरी की जनता उसे अष्टपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। वो एक राजनेता नहीं थे, वो जन नेता थे। तीन दर्शन करने पहुँची है और दादा सिर्फ बोकारो के ही नेता नहीं थे, झारखंड के ही नेता नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ऐसा ख्याति प्राप्त किया था जिसको कोई उसको मिटा नहीं सकता, क्योंकि सारे दुनिया उनको दादा के नाम से जानता था, सबरेश बाबू के नाम से बहुत कम लोग जानते थे, नेता नहीं। दादा एक नौजवान है, दादा अब आपके क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है उनकी यात्रा। दादा हमारे लिए एक गरीब दुख सुख के साथी थे और दादा जो अपूर्णीय क्षति है हम उसको शब्दों में अपना बयान नहीं कर सकते। दादा दादा ही सभी, सभी गमगीन है, क्या है दादा के मनोरंजन? ऐसा लगता है कि मजदूर का आंदोलन जो है समाप्त होते जा रहा है। दादा ऐसे मजदूर के स्तंभ थे, वे मजदूरों के लिए, वे उद्योगिक, सब अपने अपने तरीके से आकर कर रहे हैं। क्या स्थिति है? आप एक साधारण व्यवसायी है, आज हमारे बीच हमारे दादा नहीं रहे। छुआ गए दादा हमारे थे, साथी थे, मजदूर किसान और विस्थापित सबको लेके एकजुट होकर जब तक रहे 50 साल की राजनीति में एक ही शब्द उच्चारण हुआ, फिर सबसे जिंदाबाद और अंत में हम लोग को दुखी करके चले गए और उसका हो गए। आज आप आज ईस्ट इंडिया छोड़ के हमारे दादा राजनीतिक के दादा खाने वाले आज हमारे दिल में रहेंगे। सब कुछ अपूर्णीय देखिए, ये अलग अलग तरीके से लोग आए हैं। दादा की अंतिम सफर शुरू हो चुकी है, कुछ देर में आपके इस क्षेत्र में अंतिम दर्शन देने आएंगे, क्या कहेंगे? दादा तो हमारे दिल में है, बहुत दिल में रहेंगे, मर भी गए हैं तो भी याद करते रहेंगे। दादा का जो इस चास बोकारो का देन है वो दिख रहा है आज सारे बोकारो में, उनके जो भी समर्थक हैं सब जगह जगह पर आपको दिखाई दे रहे हैं और आगे भी उनके समर्थक आगे भी इसी तरह उनके, कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा ये लोग कहते हैं दादा का नाम रहेगा। जी दादा जो आज वो नहीं है लेकिन उनका चुनाव चिन्ह सेंट्रल सरकार का जो कमल फूल है उन्हीं का दे नौजवान है आप, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर हमको भी ऐसा महसूस होता है कि समरेश उनके व्यक्ति का नाम नहीं है, ये आदर्श है आज के डेट में बोकारो के, भले वो लोग प्रेरणा देता रहेगा। भूतों ना भविष्य उनके, ना भूत में ना भविष्य काल में उनके ऐसा नेता नहीं, वो सामाजिक न्याय के धरोहर थे। वो गरीब के एक रिक्शा वाला को भी सम्मान देते थे, उनके दरवाजे में कुछ जाता था, एक बड़े कार्यकर्ता को भी सम्मान देते थे।
ऐसा नेता झारखंड में पैदा हुआ है मनोज दा, बड़े कार्यक्रम आपने कवर किया है उनका, क्या कहेंगे? लेकिन दादा एक विचारधारा का नाम है विनोद बाबू, राय बाबू, और उसके बाद हमारे यहाँ लोहांचल में समरेश दादा का नाम बड़े आदर से हम लेना चाहेंगे। इन्होंने सभी वर्ग समुदाय के लोगों के एक साथ लेकर चलने का काम किया, और इन्होंने उस समय अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की जिस समय यहाँ के लोग राजनीति की मुख्य धारा में नहीं जुड़े थे। इन्होंने जमीनी स्तर पर सभी लोगों को राजनीति से जोड़कर उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, शोषण मुक्ति का भी इन्होंने आंदोलन चलाया। राय बाबू के साथ में इन्होंने जो है काफी योगदान दिया, भले ही लोग भी भाजपा में थे लेकिन इन लोग वामपंथी विचारधारा से भी बहुत प्रभावित थे। और दादा की सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो आश्वासन और इनका हिम्मत और उसमें हौसला देने का जो उनका तरीका था कि ये दादा का वादा है वो दम था, एक दादा का वादा है। बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे हैं जोधाड़ी मोड़ में, और सौ यात्रा अंतिम यात्रा यहाँ पहुँचने से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जोधाड़ी मोड़ का इलाका है, और देखिए जो पुलिस बल के जवानों को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार के खलल यहाँ पर ना पहुँचे। दादा की अंतिम यात्रा में लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में दादा की अंतिम यात्रा जोधाड़ी मोड़ पहुँचने वाली है। लोग सौंप होकर अश्रुपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में पूरे जिले में उनको विदाई दे रहे हैं। लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा दादा आपका नाम रहेगा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं शिवम हॉस्पिटल। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं उत्तम लेंस लगाया जाता है। E2 लक्ष्मी मार्केट सेक्टर 4 BS सिटी।